इमरती तो आप लोगों ने सभी ने खाई होगी, लेकिन आज हम आए हैं पटना के बहुत ही जबरदस्त इमरती वाले के पास, जिनका बनाने का तरीका काफी अनहाइजीनिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इन्होंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर ये पूरा पीपा रिफाइंड ऑयल का इसके अंदर खाली कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है रिफाइंड ऑयल में बनाई जाती है। तो इसके बाद जो है ये भगोना लेते हैं अपना इमरती का बैटर का। ये देखिए भाई, काफ़ी अनहाइजीनिक तरीका इनका बनाने का, नो डाउट। आप देख सकते हो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, वो बैटर के अंदर भी बैठ रही हैं। तो इसको अब अच्छे से जो है फेटा जाएगा भैया के हाथों द्वारा। यहाँ पर हाइजीन के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम हाथ से जो है इसको पछाड़ा जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई गांठ हो तो वो ना बने। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर हो गया है तैयार ये बैटर। और उसके बाद इसके अंदर पानी की ये बुछार कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने कपड़ा ले लिया, इसको भी जो है हल्का सा पानी से गीला कर लेंगे। तो ये देखिए भाई, छींटे मार दी गई हैं। अब इस कटोरी के अंदर एक कपड़ा रखा और इस बैटर को इस कपड़े के अंदर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, एकदम थिक बैटर हो गया, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अब अच्छे से जो है इस कपड़े के चारों कोनों को ऊपर से पकड़ा जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर इमरती बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये भैया जो है कपड़े को अच्छे से सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, भैया ने हैंड वॉश भी नहीं करा और उधर से ही यहाँ पर इमरती बनानी स्टार्ट कर दी। इमरती बनाने का तरीका इतना ज़बरदस्त है, एकदम फूल जैसी इमरती जो है भैया यहाँ पर बना रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर ये भैया पूरे दिन जो है इमरती खिलाते हैं लोगों को। नो डाउट इसका बनाने का तरीका काफ़ी अनहाइजीनिक है, बट टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है ये। जितना आपको आसान लगता है इमरती बनाना, उतना एक्चुअल में होता नहीं है, काफ़ी मेहनत का काम है। तो यहाँ पर ये देखिए, एकदम भरी गर्मी में यहाँ पर ये भैया ने यहाँ पर 10 से 15 इमरती जो है बना दी गई है। दिल्ली में इमरती का साइज़ काफ़ी मोटा और छोटा होता है, बट बिहार पटना में इमरती एकदम पतली है और काफ़ी साइज़ में बड़ी है। तो यहाँ पर इन्होंने चिमटा ले लिया है, अब अच्छे से जो है इस तेल के अंदर इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से काफ़ी देर तक इसको फ्राई कर लिया। अब जो है यहाँ पर चाशनी के अंदर डुबो दी गई है। ये देखो भाई, इनकी जो है ये घर से प्रिपेयर करके लेके आते हैं चाशनी, इसको बढ़िया तरीके से डुबो दिया गया है। तो 4 से 5 मिनट इसको डुबोने के बाद इस चाशनी के अंदर से ये निकाली जाएगी इमरती। ये देखिए भाई, एकदम गोल गोल क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही शानदार लाजवाब इमरती यहाँ पर बनके हो गई हमारी रेडी। तो यहाँ पर ये और इमरतियाँ जो है निकाल लेंगे कढ़ाई में से अच्छे से इसे सेकने के बाद, और इन्हें भी जो है इमरतियों को चाशनी के अंदर डुबो दिया जाएगा। ये देखिए भाई, एक साथ कितनी सारी इमरती जो है भैया ने यहाँ पर बना के रेडी कर दी हैं। तो इतनी गाढ़ी सी चाशनी, इसके अंदर कलर भी काफ़ी सारा डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये अच्छे से इसको डुबो डुबो के एकदम बढ़िया मीठा मीठा कर देंगे और उसके बाद ये हो जाएगी बनके बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पर जो है, आप भी अगर कभी पटना आ रहे हो तो भाई ये धोबी पछाड़ इमरती ज़रूर ट्राई करना। और जिस जिसको हाइजीन से प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए भाई, यहाँ हो गई हमारी इमरती रेडी। तो हम भी यहाँ पर एक पीस लेंगे और ट्राई करेंगे। तो ये थी कुछ वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलता है आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय गाइज़।